और हम खुश केवल हो रहे हैं कि हम अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो मैं एक चीज के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि पूरा 75 सालों में जो नहीं हुआ, सुबह सुबह से उठ के जो लोग हैं आज सरकार में, वो माइक्रो लेवल पे इतना वर्किंग कर रहे हैं और इसीलिए सब धाराशाही होते जा रहे, रिजल्ट भी दिख रहे हैं। तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी बात इसके साथ मैं जोड़ करके एक बात कहना चाहता हूं कि सवारियों के लिए तीन चीजें हैं, हवाई जहाज है, हवाई जहाज बैनीवाल, अब जब तुम बोलोगे इतना डिस्टर्ब करूंगा, बोलने नहीं दूं, पक्की बात है। तीन चीजें हैं, एक तो हवाई जहाज है और एक रेलगाड़ी है और एक बसें हैं। तो आज जो बजट है वो रेलगाड़ी से संबंधित है। तो रेलगाड़ियों का जाल और रेलगाड़ियों की तरक्की उतनी नहीं हो रही है देश में जितनी सड़कों के द्वारा और ट्रक और बसों के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना काम कर रहा है उतना नहीं हो पा रहा। और जो हवाई जहाजों का है कि बंबई पहले, अब से 20 साल पहले 5-6 फ्लाइट जाती थी, अभी 50 फ्लाइटें जाती हैं। तो उस रेशो में रेल का जाल पूरे देश में नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचें, जिससे रेल मंत्रालय भी तमाम मंत्रालयों के साथ तरक्की करता रहे और जो आने वाले समय में देश की इकोनॉमी में एक हिस्सेदारी निभाए। अब सब जो और लोगों ने बातें कही हैं अच्छी, मैं उनके साथ जोड़ता हूं और कुछ डायरेक्ट सुझाव देना चाहता हूं। जो बजट है, जो रेल की प्रॉपर्टीज है पूरे देश में और खास करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो पिछले मंत्री जी ने शुरुआत भी की थी पीयूष गोयल साहब ने, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कलकत्ता में, बॉम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में और जो उनसे थोड़े शहर हैं, उन सभी शहरों में जो कुछ जमीनें ऐसी पड़ी हैं जो स्टेशन के पास हैं, तो उनमें कोई ऐसी व्यवस्था आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कराएं, जिससे आधियों को तो बिक्री करके इतना रिवेन्यू लेकर के आएं जो रेल मंत्रालय से, दूसरी चीज जो उपक्रम देश के बिक रहे हैं खर्चे चलाने के लिए वो ना बिके, उनको सहायता कर सकें। और कुछ लीज पे BOT सिस्टम पे, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम पे ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जो मंत्रालय को हर महीने की इतनी कमाई हो, जिससे हम सारे सांसद लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनकी पूरी होती चली जाए। अब साहब आप भी मेरठ से ही हो, मैं भी मेरठ से ही हूँ, मेरठ की बात जरूर करूंगा, घंटी बजाओगे तो मेरठ की बात कर रहा हूँ साहब, इसलिए 2 मिनट दे देना प्लीज। जो मेरठ में ऐतिहासिक धरती है और अगर पूरा देश में कहें तो भगवान राम के जैसा अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण जी मथुरा में साहब ये ठीक डिस्टर्ब कर रहे हैं 75 साल में हस्तनापुर के बारे में। चंडीगढ़ की नींव, हस्तनापुर की नींव जवाहरलाल नेहरू ने एक ही दिन रखी थी और इन्होंने चंडीगढ़ को बढ़ा दिया, हस्तनापुर का कहीं नाम नहीं लिया कांग्रेस की 75 साल की सरकार में, क्योंकि वहां सारे पिछड़े और दलित रहते हैं, जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार सारे, इसलिए इनका यह हस्त्र हो रहा। ठीक कर रहे हैं सुरेश जी इस बात को। तो सब मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पूरे विदेश से लोग देखते हैं महाभारत, ये हस्तनापुर, तो आज आपकी भी, मेरा भी जिला है, एक विधानसभा, आपकी पूरी लोकसभा है। और दिल्ली के बिल्कुल अगर हम सीधा चले तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं हस्तनापुर। और ट्रेन की आज तक व्यवस्था नहीं है, 2007 में इसका सर्वे जब ममता बनर्जी जी थी जब भी, और लालू प्रसाद के टाइम पे भी जो वो मंत्री थे, 2 बार सर्वे हो चुका, फिर बीच में पड़ जाता। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए दिल्ली से सीधा हस्तनापुर को जोड़ें। और हस्तनापुर खत्म कर रहा हूं साहब, बस हस्तनापुर से सीधा गंगा के किनारे किनारे सुकुरताल होते हुए और विदुरकुटी को गंगा के पार जोड़ते हुए सीधा हरिद्वार से जोड़ा जाए, जिससे रिवेन्यू भी मिलेगा, सारा अच्छा होगा। और साहब बिजनौर जिले में ही मेरी लोकसभा में चांदपुर में, वहां जो एक